देखो कितनी मेहनत लगती है। अब जगह हफ्ते का इनका बाजार है और बाइक पे अपना सारा सामान लेके आ जाते हैं। अभी अकेले ही आज इनकी जगह पे आज कोई मटेरियल गिर गया। भाई अपना काम करने में ही फायदा है, दूसरे की नौकरी से तो अच्छा है कि जो अपना अपना बिजनेस कर ले। दोस्तों आज हम फिर एक आपको एक नया बिजनेस दिखा रहे हैं और ये छोटा सा बिजनेस है, आप चाहो तो कर भी सकते हैं इस बिजनेस को। ये छोटा सा बिजनेस आप आराम से कर सकते हो और इस शख्स को आप देख रहे हैं, जिस शख्स को हम छाते चप्पल 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए जैस चप्पल 50 रुपए आओ छाते चप्पल 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए लेडीज चप्पल बच्चे की चप्पल 30 रुपए जेंट्स चप्पल 50 रुपए आओ छाते चप्पल 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए जेंट्स चप्पल 50 रुपए आओ छाते चप्पल 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए लेडीज चप्पल बच्चे की चप्पल 30 रुपए जेंट्स चप्पल 50 रुपए आओ छाते चप्पल 30 रुपए 30 रुपए आओ छाते चप्पल 30 रुपए 30 रुपए जेंट्स चप्पल 50 रुपए ये 50 रुपए भाई। हाँ वाली वो आगे वाली दो रेट है अपना काम करने में फायदा है, दूसरे का बिजनेस कर दूसरे की नौकरी से तो अपना बिजनेस जो करे तो अच्छा रहेगा उसके लिए। मुझे तो कम से कम 10 साल हो गए इसका। 10 साल हो गए, 10 साल से तुम्हें बहुत तजुर्बा हो गया इस काम में। तो अगर हमारे ये दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा था वो करना चाहे तो वो किस हिसाब से करेंगे। छोटा सा काम है 10,000 रुपए शुरू हो जाएगा। सुधार के आपको लाइव और प्रैक्टिकल बिजनेस दिखाए कि ज्यादातर लोग बाग प्रैक्टिकल देख के ही सीखते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक शख्स चप्पल का छोटा सा कारोबार कर रहा है अपना और ज्यादा इसमें उसको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा और अपना छोटा सा बिजनेस है, वो छोटे सी अपनी पूंजी में इस बिजनेस को कर रहा है। 10 साल से ये शख्स अपना बिजनेस कर रहा है और सीधी सी बात है इसने सेल लगा रखी है 30 रुपये और एक 50 रुपये, सीधा सिंपल बिजनेस है, इसमें कोई ज्यादा पैसे इन्वेस्ट भी नहीं है और ज़्यादा झमेला भी नहीं है, सीधा साधा बिजनेस है। ये बिजनेस आप भी कर सकते हैं, चप्पल का बिजनेस है, इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन है और काफ़ी बचत है इसके अंदर और ये शहर या गांव कस्बा कहीं भी हो आप आराम से कर सकते हैं और इस और ये बिजनेस 12 महीने चलता है और इस शख्स ने सिर्फ 30 रुपये और 50 रुपये की सेल लगा रखी है। आप इस तरह सेल लगा के रख लें, थोड़ा सा माइक रख लें और उसमें भी आप आराम से बैठे रहें और ग्राहक आएगा पैसे देगा और माल खरीद के चला जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए और आपको किस तरह के और बिजनेस की जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा, उसी हिसाब से हम वीडियो आगे बनाएंगे। तो ज़िंदगी बाकी रही तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, जय हिंद।